हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। चलिए कुछ कहें अन कहा सुने कुछ अन सुना। क्या आप भी है बाहुबली फ्रेंचाइजी के एक्सट्रीम फैन और जानना चाहेंगे क्या होगी बाहुबली 3 की स्टोरी, क्या होगा बाहुबली 3 का कंसेप्ट? अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में है और इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं SS राजामौली द्वारा बनाई गई बाहुबली मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में। तो बाहुबली के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो एक काफी बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है और बाहुबली के दोनों इंस्टॉलमेंट्स का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है बॉक्स ऑफिस पर। तो मूवी में हीरो प्रभास का कहना है कि वो खुद चाहते हैं कि बाहुबली 3 मूवी बने और उनका मन है कि इस बार SS राजामौली के पास बाहुबली 3 को लेकर कोई ना कोई अलग कॉन्सेप्ट जरूर है। तो आज भी हम बाहुबली 3 के पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपने बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन तो जरूर देखी होगी। तो अगर बात करें बाहुबली 3 के बारे में तो बाहुबली 3 के और अवंतिका की लव स्टोरी के ऊपर आधारित है। शक्ति है क्योंकि बाहुबली 1 में ही दोनों के लव सीन्स काफी पसंद किए गए थे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बाहुबली 2 में बाहुबली भलाल देव को मार देता है और अपने पिता की मौत का बदला भी लेता है। उम्मीद है आपने बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन तो जरूर देखी होगी। तो अगर हम बात करें बाहुबली 3 के बारे में तो बाहुबली 3 बाहुबली और अवंतिका की लव स्टोरी के ऊपर आधारित हो सकती है, क्योंकि बाहुबली 1 में दोनों के लव सीन्स को काफी पसंद किया गया था। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहुबली 2 में बाहुबली भलाल देव को मार देता है और अपने पिता की मौत का बदला भी लेता है और अपनी माँ के साथ हुए हर अन्याय का भी, तो महेशमती का राज जब वो ही संभालेगा और अब अपने प्यार यानी अवंतिका से शादी करने के बाद महेशमती के साम्राज्य को कैसे संभालता है और उन्हें इसमें कितनी मुश्किलें आएंगी, इस पूरी कहानी पर आधारित हो सकती है बाहुबली 3। और जैसा कि कहा जाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि महेशमती जैसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य को संभालना कोई आसान काम नहीं होने वाला, क्योंकि महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फर्क ये है कि जहां महेंद्र बाहुबली ने राजपथ और शस्त्र विद्या महेशमती में रहकर सीखी थी, वहीं उनके बेटे अमरेंद्र बाहुबली एक छोटे से गांव में ही पले बड़े हैं, उन्होंने अपना बचपन वहीं व्यतीत किया है, तो उनसे उस तरह का राजपाट चलाना नहीं आता होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके साथ है कटप्पा और उनकी माँ देवसेना, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया महारानी है और वो बाहुबली को राजपथ में मदद जरूर करेंगी। तो दोस्तों ये तो थी फैन थ्योरी, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपके इस मूवी को लेकर क्या कहना है। तो चलिए खत्म करें ये सिलसिला, कहने का कुछ अन कहा और सुनने का कुछ अन सुना, और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिकी ने।